हेलो स्टूडेंट्स, एसवी एकेडमी रावला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 के हिंदी विषय का लेसन नंबर 3 का बचा हुआ अंश। लेसन नंबर 3 था नादान दोस्त, जो कि प्रेमचंद का लिखा हुआ है, और किस प्रकार इसमें दो छोटे बच्चे नादानी करते हैं, अंडों को छू लेते हैं, और किस प्रकार चिड़िया उनका परित्याग कर देती है, इसको हमने पढ़ रहे थे। तो इस कल जो अंश पढ़ा था वो थोड़ा सा देख लेते हैं कि 4 बजे एकाएक यानी कि अचानक श्यामा की नींद खुली, किवाड़ खुले थे। वह दौड़ी हुई कार्निस के पास आई और ऊपर की तरफ ताकने लगी, यानी कि देखने लगी। टोकरी का पता नहीं था, संयोग से उसकी नज़र नीचे गई और वह उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर जोर से बोली, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं परंतु उनमें से बच्चे हैं वो उड़ गए। केशव घबराकर उठा और दौड़ा हुआ बाहर आया तो क्या देखता है कि 3 अंडे नीचे ज़मीन पर टूटे हुए पड़े हैं और उनमें से कोई चूने की सी चीज़ बाहर निकल आई है। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी हुई पड़ी है, अर्थात अंडे नीचे गिर गए और टूट गए। हालांकि इसमें छोटी बच्ची ने क्या सोचा कि उन अंडों में से बच्चे तो क्या हैं, निकले और वो उड़ गए और अंडे नीचे गिर गए, यानी कि उनका खोल वगैरह, परंतु ऐसा नहीं हुआ था। तो पढ़ेंगे आगे, उसके चेहरे का रंग उड़ गया, सहमी हुई आंखों से, यानी कि डरी हुई सी आंखों से जमीन की तरफ देखने लगा। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? अब श्यामा पूछ रही है अपने भाई केशव से कि भैया बच्चे कहाँ उड़ गए। तो केशव ने करुण स्वर में, बड़े ही दयारूपी स्वर में या आवाज़ में कहा, अंडे तो फूट गए, अर्थात उसको भी अब दया आ गई, अर्थात उसका भी अंतरात्मा रो पड़ी। केशव ने करुण स्वर में कहा, बड़े ही दयालु स्वर में रोते हुए कहा कि अंडे तो फूट गए। श्यामा, और बच्चे कहाँ गए? अब श्यामा पूछती है कि भैया अंडे तो चलो फूटे तो फूटे, बच्चे कहाँ गए? क्योंकि बच्चे कैसे हैं, वो केशव और श्यामा नादान है, उनको पता नहीं है कि क्या होगा। केशव कह रहा है, तेरे सर में। अब उसको थोड़ा डांटते हुए कह रहा है कि तेरे सर में, देखती नहीं अंडों में से उजला उजला पानी निकल आया है, वही तो 2-4 दिनों में बच्चे बन जाते। अब केशव थोड़ा समझदार है श्यामा की अपेक्षा, तो वो उसे कह रहा है, देखती नहीं कि अंडों में से जो उजला उजला पानी है वो पानी बाहर निकल आया है, और वही तो 2-4 दिनों में क्या बन जाते, बच्चे बन जाते। माँ ने सोटी हाथ में लिए हुए पूछा, सोटी का मतलब है कोई छड़ी वगैरह, डंडा वगैरह छोटा सा। माँ ने सोटी हाथ में लिए हुए पूछा, तुम दोनों वहाँ धूप में क्या कर रहे हो? श्यामा ने कहा, अम्मा जी चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। अब श्यामा ने कह दिया कि अम्मा जी चिड़िया के अंडे हैं वो टूटे पड़े हैं। माँ ने आकर टूटे हुए अंडों को देखा और गुस्से से बोली, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। अब माँ तो समझदार थी, इसलिए उसने इस बात का अंदाज़ा लगाया और बच्चों से पूछा कि आपने इन अंडों को छुआ होगा, यानी कि स्पर्श किया होगा। अब तो श्यामा को भैया पर जरा भी तरस न आया, जरा यानी कि थोड़ा सा भी। अब तो श्यामा को भैया पर जरा भी तरस नहीं आया, उसी ने शायद अंडों को इस तरह रख दिया कि
कि वह नीचे गिर पड़े। इस तरह रख दिया कि वो अंडे थे वो नीचे गिर पड़े। इसकी उसे सजा मिलनी चाहिए। अब श्यामा सोच रही है, बोली, इन्होंने अंडों को छेड़ा था अम्मा जी। अब उस छोटी बच्ची ने केशव की शिकायत अम्मा को कर दी और क्या कहा कि बोली, इन्होंने ही अंडों को छेड़ा था अम्मा जी, अर्थात उसने शिकायत कर दी। माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे? केशव भीगी बिल्ली सी बना वहीं खड़ा रहा, भीगी बिल्ली बनना अर्थात बड़ा ही कमजोर सा असहाय सा होकर वहाँ खड़ा रहा। माँ पूछ रही है उससे, तो वहाँ पहुँचा कैसे? अब माँ ने केशव से पूछा कि अरे तू वहाँ उन अंडों तक पहुँचा कैसे? तो फिर आगे वो बता रहा है, श्यामा चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े अम्मा जी। अब श्यामा ने स्पष्ट स्पष्ट बता दिया है, सही सही बात बता दी है श्यामा ने कि चौकी पे स्टूल रखकर, जो कि बाथरूम से स्नान घर से वो चौकी उठाकर लाए थे उस पर उन्होंने क्या रखा, स्टूल रखा। और उस स्टूल को किसने पकड़ा? श्यामा ने ही पकड़ा था। और केशव उस स्टूल पे चढ़ के उन अंडों की हिफाजत कर रहा था। चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े अम्मा जी। केशव तू स्टूल थामे नहीं खड़ी थी? तो केशव ने भी शिकायत कर दी उसकी श्यामा की कि तू स्टूल थामे नहीं खड़ी थी, यानी कि स्टूल को तो तूने ही थामे अर्थात पकड़ा था भाई। श्यामा तुम ही ने तो कहा था। अब श्यामा कह रही है कि तुम ही ने तो कहा था मेज पकड़ने के लिए। अब कह रही है, माँ तू इतना बड़ा हुआ तुझे अभी इतना भी नहीं मालूम कि छूने से चिड़िया के अंडे गंदे हो जाते हैं। अब माँ उसे समझाने का प्रयास कर रही है, किसको? केशव को। तू इतना बड़ा हुआ अर्थात तू इतना बड़ा हो गया है और तुझे अभी तक इसका इतना भी नहीं मालूम कि छूने से जो चिड़ियों के अंडे हैं वो कैसे हो जाते हैं, गंदे हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जब चिड़िया के अंडों को हाथ से छू लिया जाए तो वो अंडे क्या होते हैं, चिड़िया उनको क्या कर देती है, त्याग देती है, अर्थात उनको सेती नहीं है। सेती का मतलब है उन पे बैठ के वो बच्चे नहीं, उसमें से बच्चे नहीं निकालती है। तो इसीलिए माँ ने उसे कहा कि तू इतना बड़ा हुआ अर्थात इतना बड़ा हो गया, तुझे अभी इतना भी नहीं मालूम, भी इतनी भी जानकारी नहीं कि छूने से चिड़ियों के अंडे गंदे हो जाते हैं, अर्थात चिड़िया उनको त्याग देती है, चिड़िया फिर उन्हें नहीं सेती, सेती अर्थात उनमें से बच्चे नहीं निकलते। क्योंकि जब अपने किसी भी पक्षी के अंडों को अर्थात विशेषकर चिड़िया के अंडों को हाथ से स्पर्श कर लेते हैं, छू लेते हैं, तो वो उन अंडों को क्या कर देती है, त्याग देती है, अर्थात उन्हें सेती नहीं है, अर्थात उसमें से बच्चे नहीं निकलते हैं। आगे है, श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए हैं अम्मा जी? अब श्यामा भी थोड़ी डरी हुई है, फिर भी उसने हिम्मत करके पूछ रही है अपनी माँ से, डरते डरते पूछा, क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए हैं, अर्थात अपनी अम्मा से पूछ रही है कि अम्मा जी क्या चिड़िया ने अंडे नीचे खुद ने गिराए हैं? माँ और क्या करती? माँ भी आश्चर्य से कह रही है कि बेटा वो और क्या करती, केशव के सिर इसका पाप पड़ेगा, अर्थात केशव को इस बात का क्या लगेगा, पाप लगेगा, अर्थात ये पाप का दंड इसको भुगतना होगा। हाय हाय तीन जाने ले ली दुष्ट ने, दुष्ट ने अर्थात अब माँ किसको कह रही है, केशव को कह रही है कि इसी के सिर पर इसका पाप पड़ेगा और इस दुष्ट ने, इस पापी ने तीन तीन जाने ले ली, अर्थात तीन बच्चों को मृत्यु के घाट इसने
उतार दिया है, क्योंकि अगर वो उन अंडों को हाथ से नहीं छूता तो उसमें से चिड़िया उन अंडों को अवश्य सेती और उसमें से बच्चे निकलते। केशव रोनी सी सूरत बनाकर बोला, केशव ने अपनी शक्ल कैसी बना ली, रोनी सी सूरत बना ली, अर्थात अपनी शक्ल को रोने जैसा सा बना लिया। मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी, मैंने तो सिर्फ क्या किया था, उन अंडों को धूप से बचाने के लिए और सख्त जगह से बचाने के लिए सिर्फ कपड़ों के चिथड़े थे उनके ऊपर उन अंडों को रखा था, और उनके ऊपर छाया की थी, साथ में दाने पानी की भी उसने व्यवस्था की थी। तो इसीलिए वो कह रहा है मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी। अब माँ को हंसी आ गई, अब माँ को क्या हो गई भाई, हंसी आ गई, अर्थात अब उससे रहा नहीं गया, अर्थात उसके मुख से हंसी निकली। मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस होता रहा। परंतु माँ को तो हंसी आ गई, माँ तो एट लास्ट खुश हो गई, परंतु केशव को कई दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस होता रहा, यानी कि पछतावा होता रहा। वह पछताता रहा कि तूने बहुत बड़ी गलती की है, अर्थात तूने बहुत बड़ा पाप किया है, जो उन तीन बच्चों की तीन अंडों को क्या करवा दिया उसने, स्पर्श करके उनको नष्ट कर दिया। अंडों की हिफाजत करने के जोग में, अर्थात अंडों की हिफाजत, हिफाजत का मतलब होता है सुरक्षा के जोग में, अर्थात उपाय में, अंडों की हिफाजत करने में, यानी कि अंडों की सुरक्षा करने में, रक्षा करने के उपाय में उसने उनका सत्यानाश कर डाला, अर्थात उनको उन्होंने हाथ से छुआ तो चिड़िया ने उस उन अंडों को क्या कर दिया, त्याग दिया। तो इसीलिए केशव कह रहा है कि मैंने उन अंडों की हिफाजत करने के उपाय में उसने उनका क्या कर दिया, सत्यानाश कर दिया, अर्थात उनको ख़त्म प्राय कर दिया, क्योंकि चिड़िया ने वो अंडे क्या कर दिए थे, त्याग दिए थे। इसे याद कर वह कभी कभी रो पड़ता था, यानी कि इस बात को, कौन सी बात को, उन अंडों वाली बात को, यानी कि किस प्रकार उन्होंने अंडों की हिफाजत करने का प्रयास किया, हुई तो उनसे नादानी थी परंतु उसने अपनी तरफ से क्या की, हिफाजत की। जब इस बात को वो याद करता है, अपनी माँ की बात को याद करता है, तो वह कभी कभी इस बात को याद करता और उसकी आंखों में आंसू आ जाते, अर्थात वह रो पड़ता। उसके पश्चात दोनों चिड़िया वहाँ फिर न दिखाई दी। तो वो दोनों चिड़िया, चिड़ा और चिड़िया, जो वहाँ उस कॉर्निस पे जिन्होंने अंडे दिए थे, श्यामा ने उन अंडों को छुआ, किस प्रकार उन्होंने उन अंडों को त्यागा, और उसके पश्चात वो चिड़ा और चिड़िया दोनों वहाँ उन्हें उन छोटे बच्चों को, यानी कि केशव और श्यामा को कभी भी दिखाई नहीं दिए। तो इस प्रकार से ये आपका लेसन नंबर 3 कंप्लीट पूर्ण हो जाता है। तो कल की क्लास में हम करेंगे इस लेसन के महत्वपूर्ण शब्दार्थ और कुछ प्रश्नोत्तर। तो आज के लिए इतना ही। तो इस लेसन को आप घर पे बढ़िया तरीके से पूरे लेसन को पढ़ोगे और इसमें से जो प्रश्न आपको आते होंगे उनको आप याद करने का प्रयास करोगे। आगामी ऑनलाइन क्लास में आपको ये प्रश्नोत्तर करवा दिए जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।